तो कल हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को। आज हम पढ़ेंगे 5, 6 और 7 को। 5, 6 और 7 को। 5 नंबर जो सवाल है वो कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? साइन 75 डिग्री का। आप लोगों को जो मान लिखवाए गए हैं उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिखाया गया है। उसमें 75 डिग्री दिखाया गया है तो आपको निकालना है कि साइन 75 डिग्री का मान कितना होगा। साइन 75 डिग्री का मान कितना होगा? तो देखिए हम क्या करेंगे, साइन का साइन लिख देंगे और 75 डिग्री का जगह 30 प्लस, क्योंकि 45 में अगर 30 को जोड़ दें तो कितना आएगा? 75 आएगा। मैथ का नियम होता है कि आप उसके रूप में चाहे जो भी परिवर्तन कर लो लेकिन उसके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो 45 और 30 कितना होता है? 75 होता है। तो इसके मान में कोई परिवर्तन हो रहा है? इसके रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो हमने 75 की जगह 30 और क्या कर दिया? 45 कर दिया। अब ये दो पार्ट में टूट गया। अब ये हो गया साइन, इसको मान लो ए, क्या मान लो, और इसको मान लो बी। ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी। अगर हम जब भी पूछे ए का मान क्या होगा तो आप क्या कहेंगे? पूछे बी का मान क्या होगा तो आप क्या कहिएगा? 45 डिग्री। क्लियर? अब ये फॉर्मूला केवल आपको याद कर लेना है, एक फॉर्मूला कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला इसे याद कर लेना, और इस फॉर्मूले को अगर याद कर लेते हैं तो आप ये 5 का 1 नंबर सवाल आसानी से बना सकते हैं। कोई दिक्कत? ये साइन का साइन ए प्लस बी इस रूप का है तो इसे इस रूप में तोड़ेंगे, इस रूप में तोड़ेंगे ना। सबसे पहले फॉर्मूला में क्या पूछ रहा है? किसका मान? साइन ए का मान। तो साइन का साइन लिखो और ए का मान क्या है? कह रहा है कॉस बी, तो कॉस बी का मान क्या होगा? प्लस का। फिर कह रहा है कॉस, तो कॉस का कॉस ए का मान, और साइन बी, तो साइन का साइन बी का मान। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? समझ में आ रहा है ना? हाँ, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मान याद होना चाहिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है गुणे कॉस 45 का मान, प्लस का कॉस 30 का मान √3/2, और साइन 45 का मान 1/√2। क्लियर हो गया? अब गुणा कर देते हैं। एक में एक से गुणा होगा तो आई, दो में √2 से गुणा होगा तो, क्योंकि एक रूट में है और एक बिना रूट का है, ये बिना रूट का है और ये, तो ये परिमेय संख्या और ये क्या है, तो एक परिमेय और परिमेय में गुणा होता है तो उसमें कोई परिवर्तन होता है बस लिख देंगे 2√। √3 में एक से गुणा होगा तो, आ 2 में √2 से गुणा होगा तो कोई दिक्कत? अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे। क्या करेंगे? भिन्न का 2√2। 2√2 का लघुत्तम क्या होगा? जैसे 5, 5 का लघुतम क्या होगा? 7, 7 का लघुतम क्या होगा? 7। उसी तरह 2√2 का लघुतम क्या होगा? 2√2 होगा। आ ऊपर वाले को जोड़ देंगे 1+√3। क्लियर? तो 1+√3, तो 1 में √3 कभी जुटेगा? क्योंकि 1 में √ नहीं है और 3 में तो ना तो जुड़ सकता है ना घट सकता है, जैसे वैसे उतार देंगे। तो इस तरह अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 75 का मान कितना होगा
तो आप कहेंगे एक प्लस रूट तीन बटा दो रूट। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इस सवाल में? चलिए अब इसके दो नंबर को समझाते हैं, एक ही बार उतार लीजिएगा, ठीक है ना। इसका जो दूसरा सवाल है, कह रहा है कि टेन पंद्रह डिग्री, टेन पंद्रह डिग्री। अब टेन पंद्रह डिग्री का कोई मान लिखवाया गया है, डायरेक्ट जीरो से केवल क्या है तीस है, बीच में कुछ भी है तो पंद्रह निकालना है। तो कौन ऐसे अंक जोड़ोगे कि घटाओगे कि पंद्रह आएगा? अगर हम पैंतालीस से तीस घटा दे तो कितना आ जाएगा? आप चाहो तो साठ में से पैंतालीस भी दोनों रख सकते हो, जिस पर बनाने का मन करे उस पर बना सकते हो। और हमने क्या किया है, पैंतालीस से तीस घटाया है, क्योंकि पैंतालीस से अगर तीस घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू? पंद्रह डिग्री नहीं आ जाएगा। और हमें किसका मान निकालना है? बात तो वही है। अब इसको मान लो ए और इसको मान लो मन में ए और ये फार्मूला, इसके लिए ये फार्मूला, हर चैप्टर के लिए एक से दो फार्मूला आएगा, हर सवाल के लिए। हम एक बार फार्मूला नहीं लिखवा रहे हैं, कारण ये है कि 25 को सवाल है, कितना है करीब करीब फार्मूला 30 से 35 को होगा। एक बार 30 35 फार्मूला ज़्यादा लिखवा देंगे ना तो आपको लगेगा कि चैप्टर भी भारी है, और ख़ास करके जब त्रिकोणमिति की बात आती है तो हड़क जाता है सबको कि बाप रे बड़ा भारी होगा, जबकि कोई भारी है नहीं, बस एक फार्मूला एक सवाल के लिए याद करते चलो, आराम से बना लो। इसलिए हमने क्या किया है कि हर सवाल में ही आपको ये रेड कलर से घेर के क्या लिखवा दिए हैं, इससे ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस सवाल के लिए कितना फार्मूला याद करना है। ऐसे नहीं कि पूरा रट्टा मार रहे हैं, एक नंबर सवाल है तो ये फार्मूला, दो नंबर सवाल है तो ये फार्मूला, तीन नंबर है तो ये है, सबके लिए हमने फार्मूला अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। ये फार्मूला है टेन ए माइनस बी का, क्योंकि माइनस वाला है ना ये, तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, माइनस वाला ना। टेन ए माइनस बी का फार्मूला कहता है कि टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए गुणे टेन बी, ये फार्मूला है आपका टेन ए माइनस बी का। ये सारे फार्मूले आपकी किताब में भी दिए हुए हैं, ये सारे फार्मूले आपकी किताब में भी दिए हुए, ठीक है ना। अब आइए इस फार्मूला पे इसके मान को सजाते हैं। टेन ए, तो टेन का टेन ए का मान बताइए, माइनस टेन बी, टेन का टेन है बी का मान, ये बी है और ये क्या है ए है, बटा में वन प्लस टेन ए, तो वन प्लस टेन ए, ए का मान टेन पैंतालीस डिग्री, फिर गुणे में, गुणा में, प्लस में नहीं किस में, टेन बी, तो टेन का टेन है बी का मान तीस डिग्री। कोई दिक्कत? जहाँ ए कह रहा है तहाँ पर पैंतालीस, और जहाँ पर बी कह रहा है वहाँ पर 30 डिग्री रख देंगे। कोई ज़्यादा कुछ करना है? ठीक, अब मान रख देंगे। टेन 45 का मान कितना होता है, एक होता है, कितना होता है, बीच में उसके माइनस है, बीच में उसके क्या है, तो माइनस लिख देंगे। और टेन 30 डिग्री का मान एक बटा रूट तीन, एक का एक, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, और टेन 30 डिग्री का मान एक बटा रूट तीन। यहाँ पे देखिए इसका भिन्न का घटाव करेंगे, मान लीजिए वन माइनस वन बटा रूट, इसके बटा में कुछ भी नहीं तो क्या है, एक होगा ना, एक और रूट तीन का लघुत्तम क्या होता है, एक से इस रूट तीन में गुणा होगा तो रूट तीन एकम रूट तीन, एक से इस एक में गुणा होगा तो रूट तीन माइनस वन बटा रूट तीन। तो ये कैसे आया समझ में आ गया, बोलिए एक बार और समझ लेंगे। एक माइनस एक बटा रूट तीन का भिन्न का घटाव करना है, क्या करना है, भिन्न का घटाव या जोड़ करने के लिए बटा में पहले देखते हैं क्या क्या है, तो इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है, और इसके बटा में
तो एक और रूट तीन का लघुतम रूट तीन होगा, एक नहीं होता है, ठीक है, एक को छोड़ देते हैं, लिखते नहीं, हटा देते हैं, तो रूट तीन लिख दिए। अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है ना है, एक से इसमें भाग दोगे तो रूट तीन होगा, और रूट तीन से जब एक में गुणा करोगे तो कितना आएगा, रूट तीन आएगा, कितना आएगा जी, रूट तीन में एक से गुणा होगा तो ये माइनस का, आ रूट तीन बटा में तो रूट तीन है कम, आ एक में एक से गुणा होगा तो एक होगा ना, तो क्या आ गया, रूट तीन माइनस एक बटा रूट तीन। तो यहाँ पे हमने इस बात को लिख दिया है, तो समझ गए ना कि कैसे आया है, ऊपर वाले में अब कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिए। देखिए रेस्पॉन्स देना चाहिए, हम पूछते हैं कि बोलिए तो आप लोग केवल देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, हाँ नहीं कुछ भी तो कहिए, ठीक है ना, नहीं आता है वो भी खड़ा हो जाइए, उसके लिए बोलिए खड़ा हो जाइए, नहीं समझ में आया आराम से समझाया जाएगा, आगे आए तो जी सर बोल देने में क्या दिक्कत है, इससे होता है आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखेंगे, अब नीचे वाला स्टेप समझेंगे, नीचे वाला है वन प्लस वन गुणे एक बटा रूट एक प्लस एक में एक से गुणा होगा तो क्या होगा, बोलिए, बटा में तो रूट तीन और एक का लघुतम, और रूट तीन में एक से गुणा होगा तो रूट तीन होगा ना, आ ऊपर रूट तीन के ऊपर क्या है, तो आ गया रूट तीन प्लस एक, तो कोई दिक्कत इसमें। अब इस तरह आप देख सकते हैं, ऊपर वाला आ गया रूट तीन माइनस वन बटा रूट तीन, और नीचे वाला गया रूट तीन प्लस वन बटा, एगो प्लस में आया और एगो माइनस है। अब देखिए ये रूट तीन से रूट तीन क्या होगा, तो इधर केवल बचेगा रूट तीन माइनस वन ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, रूट तीन प्लस वन, इतना बचेगा ना। अब याद रखेंगे, जब बटा में रूट हो, बटा में क्या हो, तो नाइन्थ क्लास से ही पढ़ाया जाता है उसका परिमेयीकरण करते हैं, क्या करते हैं, परिमेयीकरण। परिमेयीकरण का अर्थ होता है नीचे वाले अंक से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो नीचे वाला अंक है रूट तीन प्लस एक है ना, तो रूट तीन प्लस एक से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। लेकिन परिमेयीकरण कहता है कि अगर प्लस हो तो उसको किस में बदल दो, माइनस में, मतलब कहने का अर्थ है ये आपका है सवाल, इसका परिमेयीकरण करना है, तो नीचे देखना है क्या है, तो प्लस नहीं लिखे क्या लिखोगे, अगर माइनस होता तो ऊपर भी नीचे भी आप गुणा कर देंगे, समझ गए, जब गुणा करेंगे तो तीन में तीन से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, उसके बाद रूट तीन में माइनस एक से गुणा होगा तो माइनस रूट तीन, अब इस रूट तीन से इन दोनों में बारी बारी से गुणा हो गया, अब एक से माइनस एक में रूट तीन से गुणा होगा तो, अब माइनस एक से गुणा होगा तो एक कम, अब प्लस एक, ठीक है ना। उसके बाद नौ का वर्गमूल कितना होता है, एक रूट तीन एक रूट तीन, तो माइनस दो रूट तीन, अब प्लस में तो तीन गो आए गो चार माइनस दो रूट तीन, समझ गए, तो वहीं देख लीजिए हम क्या किए हैं, वही प्रक्रिया अपनाए हैं, ऊपर वाला कितना आ गया चार माइनस दो रूट तीन, अब बटा में दो कैसा है तो इसको समझिए, रूट तीन में रूट तीन से गुणा होगा तो तीन तरीका, रूट तीन में माइनस एक से गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस रूट तीन होगा। अब देखिए, अब एक से तीन में एक से रूट तीन में गुणा होगा तो प्लस में एक रूट तीन, आ एक में माइनस एक से गुणा होगा तो माइनस एक, ये प्लस में रूट तीन है वो माइनस में क्या हो जाएगा, तो नौ का वर्गमूल माइनस एक का माइनस एक, तीन से गया
तो बटा में दो कैसे है समझ में आ गया, यानी ऊपर का भी कैलकुलेशन करना और नीचे का भी। तो इस प्रकार आपका आ गया 4 - 2√3 बटा दो। ऊपर वाले में आप देखो तो कॉमन है 2, 4 - 2√3 में कॉमन क्या होगा, क्योंकि 2 के पढ़ा में 4 भी आता है और 2 के पढ़ा में 2 भी आता है, और कॉमन उसी अंक को लिया जाता है जिसके पढ़ा में कोई अंक आए। तो 2 × 2 = 4 - ये 2 निकल गया, तो क्या बचा इसमें 2 - √3। वहीं लिखा है 2 × 2 - √3 बटा में, अब ये 2 से 2, ऊपर क्या बचा, हम कटाए नहीं, आप लोग क्या कीजिएगा काट दीजिएगा, तो टोटल आंसर हमारा कितना आ गया 2 - √3। समझ गए, तो चलिए इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। अब यहाँ से क्या करना है, सिद्ध करना है, अब मान निकालने वाला काम खत्म। अब आपको सभी सवालों में मतलब टोटल 25 तक, कहाँ तक 25 तक LHS और RHS दो पक्षों को आपस में बराबर दिखाना है, 20 सवाल है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा भारी ना लगे। सवाल है cos π/4 - x into cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x into साइन π/4 - y बराबर साइन x+। आपको LHS से चलना है, मतलब ये लेकर चलना है, और क्या लाना है RHS यानी कि साइन x+y ला देना है। ठीक है, तो लिखेंगे LHS से और सवाल को क्या करेंगे उतार देंगे, सवाल को क्या करेंगे उतार देंगे। यहाँ पे हमने एक इंडिकेट किया है, दिखाया है कि ये A है और ये क्या है, ये A है और ये, ध्यान से देखिए दोनों A एक जैसा है और दोनों भी एक जैसा दिखाई दे रहा है ना। ए का मान है π/4 - x और बी का मान है π/4 - y। वाई वाले को बी मानना है, एक्स वाले को ए मानना है, मन ही मन, और इसे इस फॉर्मूले पे सजा देंगे cos A into cos B माइनस साइन A into साइन का फॉर्मूला होता है cos A + B। क्या होता है जी, cos A + B। अगर मान लीजिए कि कोई A और B cos A और cos B और माइनस साइन A इंटू साइन B के रूप का हो, तो देखिए cos ये A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B है कि नहीं है, बोलिए। अब ये किस रूप में बदल जाएगा, cos A + B के रूप में बदलेगा, किस रूप में बदलेगा, cos A + B के रूप में बदलेगा, मतलब cos का cos लिख देंगे, A और B को जोड़ देंगे, A और B को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया cos, अब देखिए A का मान क्या है, π/4 - x, तो यहाँ पर हमने लिखा π/4 - और जोड़ा है किसको, π/4 - y। अब आपके मन में आएगा ये क्या होगा, तो एक ही चीज़ है दोनों, दोनों एक ही चीज़ है, तो बार बार थोड़े जोड़ेंगे। अब देखिए
पाई बाई फोर और ये पाई बाई फोर दोनों प्लस में तो एक जगह लिख दी, और एक्स में भी माइनस लगा है और वाई में भी माइनस लगा है, तो अगर हम दोनों में माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, माइनस, तो अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई। कैसे, कोष्ट हटाते हैं, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस और प्लस क्या होगा, फिर से क्या आ गया, माइनस एक्स माइनस, तो माइनस जब कॉमन लेते हैं ना तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो आप देखिए कि अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है, इसलिए दोनों कोष्ट के अंदर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर में हमने क्या जोड़ दिया, एक्स प्लस, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, बोलिए। अब चार और चार का लघु उत्तर, एगो पाई है, एगो पाई का एगो पाई होगा, आइए जैसे वैसे उतार देंगे। अब दो दूना तो यहाँ पे ऊपर पाई है बटा में, और माइनस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला तैयार होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, 10th में हम लोग पढ़े हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसी तरह साइन डिग्री माइनस थीटा बराबर, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कॉट, यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पे 10, ऐसे ही 10th क्लास में 6 को फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो देखिए पिछले क्लास से मिलता जुलता है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कि अगर कोई 90 के रूप में हो और कॉस के रूप में हो तो किस में बदल जाएगा, हाँ तो ये कॉस दो दूना चार तो पाई बटा दो, अब पाई बटा दो का अर्थ क्या होता है, पाई बटा दो का अर्थ क्या होता है, 90 डिग्री होता है, कल भी बताए थे पाई का मान कितना होता है, और 180 का आधा 90 डिग्री, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, तो ये फार्मूला बन गया कॉस 90 माइनस थीटा, ये टोटल थीटा हो गया, एक्स प्लस वाई क्या हो गया, मान लो मन में थीटा है, समझ रहे हैं ना, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा, तो साइन का साइन है, थीटा का जगह क्या है, थीटा का जगह क्या है, और हमें क्या लाना था, कोई दिक्कत है इसमें, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्रिक मालूम होना चाहिए, इसमें दो फार्मूला लगा है, कितना फार्मूला, हाँ तो चलिए इसको उतार लीजिए। और आज के लिए अंतिम प्रश्न है 7 नंबर, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बटा टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये LHS का मान है, किसका मान है, और आपका RHS का मान है 1 प्लस 10x बटा 1 माइनस 10x, उसका इतना लाना है, LHS से चलना है और RHS को लाना, इतना तो समझ में आता ही होगा। LHS से लिखेंगे, LHS से लिखने के बाद जो LHS का मान दिया हुआ है उसको उतार देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। एक फॉर्मूला है जो इसके पहले हम यूज कर चुके हैं, 5 के 2 नंबर में 10a माइनस b का, इसमें दो फार्मूला रहेगा, 10a प्लस b और 10a माइनस b, दोनों फार्मूला एक ही जैसा है, प्लस माइनस का अंतर है, इसमें प्लस वाले में क्या होता है, ऊपर प्लस होता है नीचे, और माइनस वाले में ऊपर माइनस होता है नीचे, बाकी सब सेम होता है। अब यहाँ पे क्या है, आपको मानना है कि ये ए है और ये क्या है, ये ए और ये बी, दिमाग में रख लीजिए, जहाँ पर ए कहेगा वहाँ पे पाई बाई फोर, पाई बाई फोर का अर्थ होता है 45 डिग्री, पाई बाई फोर का अर्थ क्या होता है, और जहाँ पर बी कहे वहाँ पर एक्स, जहाँ पर बी कहे वहाँ पर एक्स लगा रहे हैं, यहां समझेंगे।
ये जो ऊपर वाला है ये है टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले पर, किस फॉर्मूले पर, टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले पर। अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है टेन ए प्लस टेन, तो टेन ए के जगह अब प्लस टेन बी के जगह एक्स, ये ए का मान है और ये बी का मान है। क्लियर हो रहा है, बोलिए। उसके बाद बटा में है वन माइनस, तो हमने लगाया वन माइनस टेन ए गुणे टेन, तो टेन ए का मान पाई बाई फोर है, टेन बी का मान, बोलिए ऊपर वाले में कोई दिक्कत है। अब ठीक उसी तरह नीचे लिख देंगे, उसी बात को नीचे लिख देंगे, और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस है, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला में केवल चिन्ह बदलेगा, क्या बदलेगा, अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, टेन पाई बाई फोर का अर्थ होता है टेन, और टेन पैंतालीस डिग्री का मान कितना होता है एक होता है, टेन पैंतालीस का मान कितना होता है एक होता है, तो टेन पाई बाई फोर का जगह क्या लिख सकते हैं, अब प्लस में क्या बच गया, तो वन प्लस टेन एक्स लिख सकते हैं, बोलिए, बटा में वन का वन माइनस का टेन पाई बाई फोर का मान कितना होगा एक होगा, एक का गुणा कर देंगे किस में, टेन एक्स में, कोई दिक्कत, तो ऊपर आ गया वन प्लस टेन एक्स, अब बटा में आ गया वन माइनस एक में टेन एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, टेन एक्स ही आएगा, तो ऊपर आ गया वन प्लस टेन एक्स और नीचे आ गया वन माइनस टेन एक्स। क्लियर हो रहा है, अभी ये केवल इतना का काम हुआ है, समझ रहे हैं बात को, अभी किसका करना है, तो नीचे वाले में केवल चिन्ह बदलना है, ऊपर वाले को ही उतार दो, जहाँ पे प्लस है माइनस कर दो, माइनस का प्लस, समझ गए बात को, तो यहाँ पे वन प्लस टेन एक्स है, अब बटा में वन माइनस, फिर वही बात लिख दीजिए, ऊपर वाला वन प्लस टेन एक्स, तो प्लस हटाए क्या कर देना है, आइए माइनस है तो क्या करना है प्लस, समझ गए ना। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब डबल बटा होता है तो ऊपर वाले को उसी तरह लिख देते हैं, लेकिन नीचे वाले को पलट देते हैं, नीचे वाले क्या करते हैं, यही नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला, तो देखिए वन प्लस टेन एक्स नीचे है तो कहाँ चला गया, और वन माइनस टेन एक्स ऊपर था तो कहाँ गया, कोई दिक्कत है, बोलिए। अब आप ध्यान से आप देखिए, तो यहाँ पे गुणा करना है वन प्लस टेन एक्स का वन प्लस टेन एक्स से, बताइए आप दो से दो में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, दो का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, चार गुणे चार हो तो चार का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, अगर पाँच गुणे पाँच हो तो क्या लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक जैसे अंक को स्क्वायर में लिखा जा सकता है, एक जैसे अंक को अगर दो बार गुणा किया गया हो तो उसको किस रूप में लिखा जा सकता है, स्क्वायर के रूप में। तो देखिए वन प्लस टेन एक्स में गुणा करना है वन प्लस, दोनों एक ही जैसा है कि नहीं है, तो इसको एक जगह लिख के इसमें क्या लगा दिए, नीचे वाला वन माइनस टेन एक्स में गुणा करेंगे वन माइनस, और दोनों को लिख के क्या लगा दिए, समझ पा रहे हैं ना बात को। अब दो जगह स्क्वायर लिखने से अच्छा है कि गोटा लिख दीजिए एक जगह वन प्लस टेन एक्स और बटा वन माइनस, लिख कह के और बड़ा सा क्या लगा दीजिए स्क्वायर, इसका अर्थ है स्क्वायर ऊपर भी है और स्क्वायर जैसे ही ये लगाएंगे तो देख लीजिए आपका आरएचएस का मान आ गया, यही ना आपका आरएचएस का मान है, तो लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सवाल हम लोग कल पढ़ेंगे, चलिए इसको उतार लीजिए।